हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सिंप्लीफिकेशन शॉर्ट ट्रिक्स में आज हम देखेंगे ये क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन इज इफ एक्स इज इक्वल टू 11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स टू द पावर 5 माइनस 12 एक्स टू द पावर 4 प्लस 12 एक्स टू द पावर 3 माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स माइनस 5. इस टाइप का जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है तो हम सबसे पहले क्या सोचते हैं कि हम x की जगह 11 पुट करें और 11 की पावर 5 माइनस 12 इंटू 11 की पावर 4. अगर हम इस तरीके से क्वेश्चन करने जाएं तो आई थिंक 10 से 12 मिनट तो हमें चाहिए, और आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तब भी 5-7 मिनट तो लगेंगे. इतनी बड़ी कि पावर पहले 5 निकालो और उसे फिर कैलकुलेट करो. तो आपको सिंपली क्या करना, जस्ट इस इक्वेशन को तोड़ दीजिए पहले. तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 5 माइनस 11 एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 4. ये मिलके भी तो यही बना रहा है. सेम यहाँ पे 11 एक्स टू द पावर 3 माइनस सॉरी प्लस एक्स टू द पावर 3 सेम माइनस 11 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड 11 एक्स प्लस एक्स माइनस 5. ये इक्वेशन सेम इसी का ही दूसरा रूप है. अब आपको क्या करना है, अब जस्ट 11 की जगह आप देखेंगे x की वैल्यू कितनी है 11, तो आप 11 की जगह x पुट कर दीजिए. तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जब x पुट करेंगे ये भी x, तो x टू द पावर 5 हो जाएगा. ठीक है, सेम यहाँ पे आप x करेंगे x टू द पावर 4 हो जाएगा. यहाँ पे भी आप x करेंगे x टू द पावर 3 हो जाएगा. और यहाँ पे आप x करेंगे तो x टू द पावर ये 2 हो जाएगा. तो यहाँ पे देखिए x टू द पावर 5 और माइनस x टू द पावर 5 ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, क्योंकि यहाँ पे हम x रख रहे हैं तो ये एक्स क्यूब हो जा रहा है. तो एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब माइनस हो रहा है. सेम माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे तो एक्स स्क्वायर, 11 की जगह x पुट करना है, ये कैंसिल होगा. तो हमें आंसर बचेगा x माइनस 5 यानी 11 माइनस 5 एंड आंसर इज 6. बस आपको इसको इक्वेशन को तोड़ना था, 12 को 11 में तोड़ना था, और जिस क्वेश्चन को करने में 5 से 7 मिनट लगने थे उसे हम 4 या 5 सेकंड में इजीली कर लेते हैं.